हेलो दोस्तों, ये टोयोटा करोला है 2013। कस्टमर ने कंप्लेंट किया कि बैटरी रिप्लेसमेंट के बाद, बैटरी रिप्लेस किया तो उसके बाद गाड़ी जो है एक्सेलेटर बिल्कुल नहीं ले रहा है, सिर्फ दो पे रहता है फुल रिप्रेस करने के बाद, यानी थ्रोटल काम नहीं कर रहा है। अभी हम इसको स्कैन करेंगे, चेक इंजन लाइट भी ऑन हो गया है। पहले गाड़ी ठीक ठाक था, लेकिन जब इसने बैटरी चेंज किया तो इसमें यह मसला आ गया। अभी हम इसको डायग्नोस करेंगे और देखेंगे। देखो, फुल अभी डिप्रेस किया एक्सेलेटर पेडल को, सिर्फ दो पे रहते हैं RPM। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ गया है बैटरी चेंज करने से। इसको डायग्नोस करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। वीडियो को पूरा देखिए, इसमें हम इसको स्कैन करेंगे कंप्यूटर से, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी इसको लेंस स्कैनर के साथ कनेक्ट किया, उस कोड रीड करेंगे, क्या कोड देता है क्या कोड नहीं देता है। अभी जो कोड हमारे पास आया है P2118, ये जो थ्रोटल बॉडी है इसका जो पावर सोर्स ECM में आता है, इसका अंदर कोई फॉल्ट आया है। मेरे ख्याल से बैटरी का टर्मिनल उसने उल्टा लगाया है, बाद में सीधा करके शॉर्ट हुआ है। ये कोड का डिस्क्रिप्शन है, कोड का डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसका जो पावर सोर्स है वो नहीं आ रहा है। ये ECM है, ये ECM है, ये थ्रोटल है, और ये ECM का थ्रोटल, ये ECT फ्यूज का वायर है और एक ग्राउंड है। अभी हम सबसे पहले ECT का फ्यूज चेक करेंगे, शायद बैटरी का वायर टर्मिनल उल्टा लगाया हो तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है। कभी भी अगर आपके साथ, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, गाड़ी रेस नहीं लेता है, बैटरी का वायर उल्टा लग गया है, या बैटरी चेंज करने से कुछ ऐसा मसला आया है, तो ये फ्यूज़ कवर खोल के इसके ऊपर ECT फ्यूज़ सबसे पहले चेक करें। इसका भी ECT का फ्यूज़ है, इसका जो कोड है उसके मुताबिक इसका जो ECT फ्यूज़ है, ये ECT का फ्यूज़ है। आप भी, हम इसको चेंज करेंगे इसका फ्यूज़। देखो, ये ECT का फ्यूज है, देखो ये नहीं चल रहा है, एक साइड चल रहा है एक साइड नहीं। अभी हम इसको नया लगाएंगे और गाड़ी को चेक करेंगे।
इसकी सीरीज फिक्स करेंगे, देखेंगे आरपीएम सही होता है कि नहीं। ईसीटी इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल, ये बैटरी उल्टा लगने से, शॉर्ट होने से ये फ्यूज उड़ जाता है। ये बैटरी कवर मैंने उठाया इंजन की लाइट को रिसेट करने के लिए, वापस लगा दिया। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।